जुम्मा का दिन है, तो मैं तब से आप सभी को जुम्मा मुबारक। और भाई अपना जा रहे हैं नमाज पढ़ने, हम आ चुके थे टोपी वोपी पहन के, तो अमन भी आ चुका, अमन घेरा, तो अब जा रहे हैं, हम जाने माल ले लेते हमने 2:30 बजे वाली मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, तो स्वागत है आपको फिर से मेरे नए ब्लॉग पे। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है भाई, 2:21। सो गाइस ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 2:30 बजे और हम जाएंगे अभी 2:30 बजे वाली नमाज़ पढ़ने, क्योंकि आज जैसे कि जुम्मे का दिन है, तो मैं तब से आप सभी को जुम्मा मुबारक। और भाई अपना ब्लॉग स्टार्ट करता मान के घर से, क्योंकि आपको पता है मैं कल आ गया था ओखला से सिलमपुर, तो आप लोग भी सोचते होंगे मैं ओखला सिलमपुर से ओखला आने जाना करता रहता हूँ। सो गाइस हमारा प्रॉब्लम है हमारी कुछ, तो क्योंकि ओखला में हमारा घर है, सिलमपुर में दुकान है, दुकान की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ता है और अमन के घर पर हम रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे कि अमन हमारा दोस्त है और एक फैमिली सी रिश्तेदारी सी, मतलब बहुत दिल से लगाव है अमन के घर से मुझे, तो इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो गाइस अभी तो मैं तैयार हुआ हूँ, अमन गया नहाने, तो उसकी शर्ट पे प्रेस कर दिया था और ये रखा वो लोअर, जैसे कि उसकी टांग में चोट लगी हुई, अभी वो बुला रहा है मेरे को, चलो उसकी सुन लूँ पहले मैं। सो गाइस अमन मेरे से मांग रहा था मग्गा नहाने के लिए, क्योंकि वो जैसे कि नहाने गया वो भी तैयार होगा और हम जाएंगे 2:30 बजे वाली में नमाज़ पढ़ने। तो 2:22 हो चुका, पता नहीं कब तैयार होगा, कब हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने। तो गाइस अभी तो हम जल्दी से जाएंगे नमाज़ पढ़ने और मैं अपनी दुकान पे से होके आ गया था सुबह ही, तो अभी मैं अमन के साथ था, क्योंकि अमन की अम्मी जो है ना वो गई हुई है खुर्जे गई हुई है, क्योंकि खुर्जे में जो है ना कोई हज पे से आए हुए थे, तो उन्होंने ना दावत थी, तो वो लोग गए हुए वहाँ पर, आज सुबह ही गए हैं। तो अब देखो हम अपना यहाँ रहेंगे आज और मैं कल चले आऊँगा ओखला, और जैसा भी अपना सारा सामान लेके चले आऊँगा, जैसे कि मैंने दुकान पर अपने सारे कपड़े वपड़े तो रख लिए थे पैक में, अब यहाँ पे जो मेरे कपड़े हैं वो भी देखो मैं शाम में निकाल लूँगा और जो भी है पैक में पैक कर लूँगा, और सुबह हम निकल जाएंगे ओखला के लिए। तो वो ब्लॉग कल का होगा हमारा, तो वो ब्लॉग पर ज़रूर बनिएगा, और बनिएगा नहीं वो ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और गाइस कमेंट ज़रूर कीजिए करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए ब्लॉग को, ब्लॉग पसंद आता हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। इतना हम चलते हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने, इतना माना का तैयार हो गए, फिर दिखाएंगे अमन कैसा लग रहा है, उसकी चोट ऐसी हो गई एकदम ही, हवा पट्टी वट्टी कुछ करवा नहीं रहा है, तो ऐसी खुली चोट रख रखी हमने, क्योंकि हवा हवा लगी ना थोड़ी सी, तो सूख जाएगा फ्रेंड बन के ना सही हो जाएगा। तो गाइस हम जल्दी से जाते हैं नमाज़ पढ़ने, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, हम आ चुके थे टोपी वोपी पहन के, तो अमन भी आ चुका, अमन घेरा, तो अब जा रहे हैं, हम जाने माल ले लेते हमने 2:30 बजे वाली मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2:31 जमात भी खड़ी हो चुकी होगी, सुबह से अभी जल्दी चल रहे पहले नमाज़ पढ़ने। अभी हम आ चुके थे नमाज़ पढ़ के, यानी मैं तो आ चुका हूँ, मैं चले गया था नमाज़ पढ़ के अमन के पास, अमन के पास से जब मेरे को एक कॉल आई कि तुम्हारा मैंने जो माल बनाया था ना कल वो साइज़ थोड़ा सा गलत हो गया था, तो वो माल ख़राब हो गया था, तो माल अभी दोबारा मैं जल्दी से लेके आया हूँ भाई, ठीक कर रहा हूँ उस माल को। तो जैसे कि मैंने ये माल काटा था ना, तो इसमें 2 साइज़ जो है वो दिक्कत ख़राब आ गया, तो बड़ा साइज़ कट गया, तो हमें काटना था छोटा साइज़, तो एक साइज़ तो मैंने काट दिया, पर एक ही साइज़ 9.5 इंच का ही कटना था सारा, तो ये टुकड़े निकल रहे हैं, जैसे कि ये बच के निकल रहे हैं, तो अभी तो स्क्रेप में जाएंगे, फालतू है ये, तो अभी ये काम तो मैं कर लूँ जल्दी से, फिर इसके बाद बिंदाई भी करनी पड़ेगी सिर्फ उसमें इस मशीन पर। सो गाइस अपना ये काम जल्दी से निपटा के हम चल रहे पहले सिलमपुर, तो अभी मैं आ चुका था सिलमपुर, तो मतलब दुकान पे से, और हम थोड़ी देर ऐसे ही घूम रहे थे, मन की भी दुकान हो चुकी है बंद और समिति भी आ चुका था काम पे से, तो ये दोनों ये चल रहे हमारे साथ और हम आए होते हैं यहीं जाफराबाद घूमने, हमारा रोज़ का है यहाँ पे जाफराबाद का। भाई क्या कर रहे हो ये समीर, वैसे तूने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी? जिंदगी की नमाज़। हाँ जिंदगी की नमाज़ पढ़ी तूने? जिंदगी की नमाज़ छोड़ता भाई, ये जुम्मे की नमाज़ पढ़ नहीं पाता, इसकी मजबूरी है क्योंकि काम पे रहता है, तो वहाँ पे मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है ना वैसे कोई वहाँ पे, चलते आदमी, क्योंकि मतलब बहुत दूर है ना गांधीनगर में, वो सारा मतलब नॉन मुस्लिम एरिया है। हम जा रहे थे इसी घूमते ब्रह्मपुरी रोड पे, तो ब्रह्मपुरी रोड यहाँ से जाते ही यहाँ से मटके वाली गली, मतलब ये पूरी मटके वाली गली तो होगी ना, है ये पूरी मटके वाली गली होगी, तो हम इसे पार करके जा रहे थे ब्रह्मपुरी रोड पे, थोड़ा ऐसे घूमने, तो देखते हैं आगे भी क्या हलचल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती रहती है ना, रात को सारे होटल बंद करवा देते, तो चल रहे पहले ब्रह्मपुरी रोड पे। अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मपुरी रोड पे, तो भाई हम आ गए थे यहाँ पे, तो भाई बहुत ही एकदम सुमसाम हो रहा, पूरी यहाँ पे होटल हैं, तो सारे होटल बंद हो चुके हैं अभी, और भाई हम यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे,
और अभी भाई यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, तो मैंने अपना व्लॉग चालू नहीं करा वरना सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहा है ये। सो गाइस अभी ये दोनों भी हमारे साथ ही थे। क्या कह रहा, मर्डर करने की तैयारी कर रहा, पुलिस वाले धर लेते, कहता किसी होटल में डाका, जिप्स में बैठा देते भाई, ब्रो किडनैप करवा रहे, थाने भिजवा रहे, इंजे से लोग कैसे कैसे अरेस्ट होना ना, किडनैप ब्रो, हाँ सॉरी अरेस्ट, किडनैपिंग तो उसे कहते हैं जो पैसा मांगे, है नहीं उसे कहते हैं, जिस दिन तुम तेरे 30-40 लाख सब्सक्राइबर होगा ना तुम हो इंशाल्लाह भाई, तुम्हारी ये दुआ कबूल हो जाए। और भाई जिसने ब्लॉग सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जल्दी आके सब्सक्राइब कर लो। और हम जा रहे थे अभी घर पे, सो अभी जल्दी चल रहे पहले घर पे भाई, पूरा सुमसाम हो गया, तो भाई अभी जल्दी चल रहे पहले घर और फिर मिलते हैं आपसे घर पर, अपना ब्लॉग भी एंड करेंगे। अभी तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अमन की छत पे, तो अभी आ गए थे हम, तो आते समय हम लेके आ गए थे MC2 AK, इसकी वहाँ रखी हुई है नीचे, तो देख सकते हैं वो रखी हुई, ये अभी उठा के दिखाऊंगा। तो अमन भी लेटा हुआ, कूलर चला लिया था हमने, तो अब यहीं सोएंगे हम छत पे रात को, क्योंकि इसकी अम्मी अम्मी सब गई हुई कुर्जे, मैंने आपको बता दिया था। तो हम ये जल्दी से पिए हैं और अपनी फिर ये मतलब ये तो मैं पी लूँगा बाद में, पर अपना व्लॉग एंड कर लूँ पहले। सो गाइस अपना व्लॉग एंड कर रहे हम पहले जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया, रात हो गई, तो जल्दी से अपना व्लॉग एंड कर लेता हूँ। और व्लॉग को और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ब्लॉग मेरे अब डेली आ रहे हैं।